फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सोरियासिस के बारे में। फ्रेंड्स, सोरियासिस एक कॉमन क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है। क्रॉनिक का मतलब लंबे समय तक चलने वाली बीमारी। इस बीमारी में आपको लाल रंग के मोटे मोटे से छक्के देखने को मिलेंगे। ये निशान मेनली आपको देखने को मिलते हैं एल्बोस, कोहनियों पे, नीज पे, घुटनों में, लोअर लेग, टांगों में, बैक में और स्कैल्प पे, सर की चमड़ी पे। फ्रेंड्स, इसका मेन कारण रहते हैं तीन फैक्टर्स, मेनली जेनेटिकल फैक्टर। 30-40% पेशेंट्स जो हैं उनमें फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव देखने को मिली है। कुछ सर्टेन जीन्स रिस्पॉन्सिबल रहते हैं सोरियासिस के लिए। सेकंड इज़ इम्यून सिस्टम का ख़राब हो जाना, और ये एक ऑटोइम्यून डिज़ीज़ है। मतलब आपका जो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज़्म है वो आपके बॉडी के हेल्दी सेल्स के अगेंस्ट फाइट करने लग पड़ता है। इसमें शरीर की स्किन के अगेंस्ट टी सेल्स और न्यूट्रोफिल्स अटैक करते हैं। जो नॉर्मली सेल टर्नओवर है, मतलब जो नॉर्मली हमारी जो स्किन है न्यू स्किन बनने में 40 से 60 दिन लेती है, पर इस बीमारी में वो 7 दिन लेने लगती है। इतनी जल्दी जल्दी स्किन बन रही है तो वो ऊपर जमा होने लगती है। इसके कारण कुछ कुछ जगह पे आपको मोटे मोटे से छक्के देखने को मिलते हैं। थर्ड है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में देखा गया है इन्फेक्शन इस बीमारी को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, मेनली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। कुछ सर्टेन मेडिकेशंस भी इस बीमारी को बढ़ाती हैं, जैसे लीथियम, एंटी मलेरियल ड्रग, बीपी की दवाइयाँ जैसे बीटा ब्लॉकर, पेन किलर्स, स्ट्रेस, स्मोकिंग, अल्कोहल इस बीमारी को ज़्यादा बढ़ाती हैं। ओबेसिटी, अगर आप मोटे हैं तो इस बीमारी में आपको ज़्यादा दिक्कत रहती है। साथ में देखा गया है कि जो सोरियासिस के पेशेंट्स हैं उनमें विटामिन डी की भी डेफिशिएंसी रहती है। जानते हैं सोरियासिस की टाइप। मेन टाइप जो ज़्यादा देखने को मिलती है वो है प्लाक सोरियासिस। सेकंड इज़ पाल्मो प्लांटर सोरियासिस, जिसमें हाथों की हथेलियां और पैरों के तलवे ज़्यादा इन्वॉल्व देखने को मिलते हैं। थर्ड इज़ स्कैल्प सोरियासिस, जो सर की चमड़ी में देखने को मिलती है। फोर्थ इज पस्टुलर सोरियासिस, जिसमें पस जैसे निशान देखने को मिलते हैं। फिफ्थ इज गटेड सोरियासिस, जो मेनली इन्फेक्शन से ट्रिगर होती है। अगली है नेल सोरियासिस, जिसमें नेल की इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलती है। लास्ट इज सोरियाटिक आर्थराइटिस, जिसमें जॉइंट इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। हम नेक्स्ट वीडियो में सोरियासिस के ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।